जिस जनता ने 13,000 वोट देकर के जिस नगर पालिका चेयरमैन को चुना, आज वो रंग रंगीलियां मना रहा है कहीं पर भी जा करके। भूख हड़ताल के ऊपर बैठने जा रहे हैं सभी वार्डो को लेकर के, आज प्रशासन को ये चेतावनी देते हैं। नवीन, क्या लगता है भूख हड़ताल पर बैठने की नौबत आएगी? बिल्कुल आएगी। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चरखी दादरी में लोग विधायक, चेयरमैन और सांसद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आखिरकार नारे क्यों लगाए जा रहे हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आज मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं आप लोग? जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है, वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं जाती, घंटों 8-8, 9-9 घंटे बिजली के कट रहते हैं, भीषण गर्मी पड़ रही है। हमारे नेताजी टिकट की व्यवस्था करने में लगे हैं, कोई कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, कोई बीजेपी में चला गया। हमारे माननीय विधायक जी जो दिखते ही नहीं बिल्कुल भी शहर में, आज जनता ने इतनी भारी आज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप स्वयं देख लो, 8-8 दिन तक वार्डों में पानी नहीं आता, पूरी रात जाग करके लोग सोते नहीं, बिजली नहीं आती। आज एक बार भी जनता के बीच में हमारे माननीय विधायक दादरी के एक बार भी आकर के किसी अधिकारी को फोन करके ये नहीं कहते, अगर आप बिजली की समस्या का समाधान करो, आप पेयजल मुहैया कराओ, आपका फर्ज बनता है। दादरी नगर प्रशासन बिल्कुल मौन होकर के चुपचाप ये तमाशा देख रहा है। आज हमने पब्लिक हेल्थ के खिलाफ हमारे जितने भी ये माननीय हैं उनके खिलाफ हमने आज रोष प्रदर्शन करके मटका फोड़ एक प्रदर्शन किया है। जी देखिए, आम लोग हैं, ये कानून हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन इतने मजबूर हैं कि अपने घरों से बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनके घर पर पीने का पानी नहीं आ रहा, जो कि एक मूलभूत सुविधा है। अगर वो भी लोगों को नहीं मिलेगी तो आखिरकार लोग क्या करेंगे? मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जनता कुछ सब कुछ देख रही है। आज हमारे जिस जनता ने 13,000 वोट देकर के जिस नगर पालिका चेयरमैन को चुना, आज वो रंग रंगीलियां मना रहे हैं कहीं पर भी जा करके। आज जनता ये चीज भी देख रही है कि पार्षद आज सड़कों पे उतर करके अपना हक मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जनता ने जिस आज से जिस नगर परिषद चेयरमैन को बनाया, आज वो लापता है। दादरी की जनता उसे ढूंढ रही है, वो कहाँ गया भगोड़ा, आज तक वो मिला नहीं है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, पब्लिक हेल्थ भ्रष्टाचार का मुद्दा बना। आप पिछली बार हमारे साथ गए थे पब्लिक हेल्थ में, हमने एक्शन साहब से मिल करके ये कहा था हमारे वार्डों में पानी नहीं आता। जब से कि यहाँ जेई यहाँ पर आया है तब से ये व्यवस्थाएं बिल्कुल चौपट हो गई हैं, पूरा दादरी शहर पानी के की घूट के लिए तरस रहा है। और हमें आश्वासन दिया गया था, ये सतबीर जी हम सारे खड़े थे, आगे क्या कदम उठाएंगे? हम भूख हड़ताल के ऊपर बैठने जा रहे हैं सभी वार्डों को लेकर के, आज प्रशासन को ये चेतावनी देते हैं, या तो हमारे वार्डों में पानी दे दो या स्वच्छ पानी मुहैया करा दो। भूख हड़ताल पर कब से बैठेंगे? हम अगर एक हफ्ते का हम समय देते हैं, अगर हमारी पेयजल व्यवस्था नहीं सुधरती है तो हम भूख हड़ताल के ऊपर सब वार्डों को लेकर के पूरी दादरी बैठेगी। चाहे दादरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, पार्षदों ने ऐलान किया है अगर एक हफ्ते के अंदर जल की समस्या का अगर समाधान नहीं हुआ तो भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ इस प्रदर्शन में शामिल हुई है। भाई क्या समस्या? भाई सारी समस्या से हो रहा, तो बिजली की उड़ा रही, पानी की उड़ा रही, सब क्या है की समस्या, कोई काम नहीं चल रहे बारोड़ा में। ये बात फोड़न तो समाधान होगा रोड़ा पे? भाई क्या करे, जोर तो यही चल रही है, आगे करे ना समाधान तो बेटा। उसकी तरह लुकया तो कौन, घर छोड़ के कौन गया, दम थो तो किसका तरिया, वो शहर की तरिया। अच्छा। बैठे हो सब करे क्यों ना कि वो बेकार जनता ही वोट आ जाओ ना, वो वोट दे दे हाथ में ना है तो इस्तीफा दे दे, और गणा चार बैठे भाई करणिया। हाँ को नहीं, हमने बैठ जाएगा जी। देखिए इनका कहना है कि अगर बक्सीलाल सही अगर काम नहीं करवा सकते तो अपना इस्तीफा दे दे, और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। कितना दिन पड़ना है? लुके हो अंदर सब, पानी मिन्नो हो गया है, कौन ना पानी आवे मेरे सब, आप लुके हो अंदर सर, मोदी चूड़ी पारे बैठा चूड़ी तो अंग्रेज को ले जा घुसने
अच्छा हाँ। आपके विधायक ने कुछ विकास कार्य करवाए हैं? हाँ बहुत करवाया, हमारी साफ तो गली से और टाइम दो टाइम मेरा पानी आया है, साल साल की देख अतन ताजा ताजा पियाऊंगी। देखिए लोगों में काफी ज्यादा रोष है और लोगों का कहना है कि वो अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और आज आखिरी बार प्रशासन को चेतावनी दे दी है, एक हफ्ते का समय दिया है, अगर एक हफ्ते में इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये भूख हड़ताल पर जाने वाले हैं। जी मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, बार बार शेर की आवाज उठाते रहते हैं और आपके दर्शकों को भी। ऐसा जी आज हम इस प्रशासन से, दारी प्रशासन से और दारी के जो नुमाइंदे अच्छी के लिए, सर्वप्रथम तो हमारा दुर्भाग्य था जी का कि हमने चेयरमैन इस प्रकार का मिल गया, कति मदारी और कति नकारा चेयरमैन साबित हुआ दारी के लिए, हमारा दुर्भाग्य। आज दिखता नहीं नगर पालिका में, कहीं नहीं दिखता, उपायुक्त होते सभी पार्षद पेश हुए थे। दूसरी बात है कि हमारा कुछ भी नहीं प्रशासन में, आप हमें आप ये बताओ कि सरकार हमें मुंह या क्या करा रही है किसी प्रकार की, हम तो इतने साल हो गए प्रश्न करते हुए, धरना का भी प्रश्न का भी भूख हड़ताल। जी 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 आप बताओ हम क्या करें, कहाँ जाएं? नरेंद्र जी एक हफ्ते के बाद हड़ताल शुरू होने वाली है। ऐसा है, हमने एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है भाई, या तो दादरी की जनता को पानी मुहैया कराया जाए, बिजली से जो परेशानी है उसकी समस्या को दूर करिए जाए। एक बताओ पानी पीने के लिए भी नहीं है तो और इस सरकार इससे फालतू क्या दुर्गति करेगी? चरखी दादरी से इस वक्त की सबसे बड़ी क्या बता दे, चरखी दादरी में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, लोग बेहद परेशान हैं, लोग अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट कर थक चुके हैं, लोग सड़कों पर बासन छोड़कर रोष व्यक्त कर रहे हैं और चरखी दादरी जिला प्रशासन को एक हफ्ते का समय दिया है, एक हफ्ते में अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। नवीन क्या लगता है भूख हड़ताल पर बैठने की नौबत आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि पिछले बार हम एक हफ्ते के लिए नगर परिषद में धरने पर बैठे थे, अनिश्चितकाल धरना था जिसमें आप भी आए थे, और उसके बाद हमारे कुछ कार्य एडीसी साहब ने करवाए भी हैं जी, और अब ये बात इसके पब्लिक हेल्थ के खिलाफ बिल्कुल बैठेंगे और बिल्कुल इनको चुड़िया चढ़ाई जाएंगी। काम नहीं किया गया तो हमें चाहे कानून हाथ में लेना पड़े, कानून हाथ लेने से पीछे भी नहीं हटेंगे जी। साफ चेतावनी प्रशासन को, बिल्कुल साफ चेतावनी। और रही बात नगर परिषद की, ये आप पीछे देख रहे हैं आई लव चरखी दादरी, खाली आई लव चरखी दादरी लिखने से लव नहीं होगा दादरी से, दादरी के लिए त्याग करना पड़ेगा, दादरी के लिए काम करने पड़ेगा। आप पीछे देख लीजिए नाले गंदगी से भरे हुए हैं, सफाई व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइटें बंद है, पीने का पानी नहीं है, क्या ये ऐसी सुविधा दे दे के क्या ये प्यार है दादरी से? आप दादरी को गाली देने का काम कर रहे हैं और दादरी की जनता इन नेताओं को कभी भी माफ नहीं करेगी। क्या लगता है लोगों की समस्या का समाधान होगा? बिल्कुल होगा, लोग जागरूक होंगे, अपने आप करना पड़ेगा इन्हें, विधायक और चेयरमैन तो थोड़ी ना बात बनेगी, ये तो खुद जनता जागरूक है। जी तो तस्वीर आप देख सकते हैं इस वक्त सड़क पर आपको मटके टूटे हुए के कुछ अवशेष आपको दिखाई दे रहे होंगे, लोगों ने आज रोष व्यक्त किया है और यहाँ पर मटके फोड़कर ये दिखाया है कि ये मटके खाली है, इनमें पानी नहीं है इसलिए इनको तोड़ा जा रहा है और चरखी दादरी प्रशासन को एक हफ्ते की चेतावनी दी है कि एक हफ्ते में अगर जिला प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, इनकी मांग नहीं सुनी गई तो ये भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।